ओके सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एडियो डॉट नेट डेटा टेबल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि डेटा टेबल क्या होता है। सो बेसिकली सी शार्प जो डेटा टेबल है सी शार्प के अंदर सेम एज एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो हम टेबल बनाते हैं उसी तरीके से काम करता है। डेट मीन्स के डेटा टेबल इज ऑल्सो गोइंग टू रिप्रेजेंट द रिलेशनल डेटा इन टेबलर फॉर्म। यानी हमारा जो डेटा टेबल है वो उसके अंदर जो भी हमारा डेटा होगा वो किसके अंदर होगा, टेबलर फॉर्म में होगा यानी रोज एंड कॉलम्स के अंदर होगा। व्हेन यू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ डेटा टेबल, जब आप डेटा टेबल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इट डज नॉट हैव अ टेबल स्कीमा। तो डिफॉल्ट के अंदर इसके पास कोई टेबल स्कीमा मौजूद नहीं होता जिसके साथ वो इंटरेक्ट कर सके। सो यू कैन क्रिएट अ टेबल स्कीमा बाय एडिंग कॉलम एंड कंस्ट्रेंट टू द टेबल। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर टेबल स्कीमा ऐड कर सकते हैं बाय एडिंग द कॉलम्स एंड कंस्ट्रेंट्स टू द टेबल। वंस यू डिफाइन द स्कीमा यानी आपने जो है वो कॉलम्स और कंस्ट्रेंट डिफाइन कर दिए उस डेटा टेबल के लिए, तो फिर आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, रोज ऐड कर सकते हैं डेटा टेबल के अंदर। तो इन ऑर्डर टू यूज़ द डेटा टेबल, अगर आपको डेटा टेबल को यूज़ करना है यू मस्ट हैव टू इंक्लूड सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस। तो हमने इससे पहले देखा था कि जब हम जो है एसक्यूएल कनेक्शन क्लास के साथ इंटीग्रेट करना चाह रहे थे, इंटरेक्ट करना चाह रहे थे, या फिर हमारी एसक्यूएल कमांड की क्लास के साथ इंटरेक्ट करना चाह रहे थे तो हम सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट नेम स्पेस का इस्तेमाल कर रहे थे। बट अगर आप डेटा टेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पहले क्या करना पड़ता है, आपको सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस को अपने पास इंक्लूड कराना पड़ता है। सो नोट द एडियो डेटा टेबल इज अ सेंट्रल ऑब्जेक्ट विच कैन बी यूज इंडिपेंडेंटली और कैन बी यूज बाय अदर ऑब्जेक्ट सच एज डेटा सेट एंड डेटा व्यू। तो आपके पास जो है ना डेटा टेबल एक सेंट्रल ऑब्जेक्ट है जिसको हम इंडिपेंडेंटली भी यूज़ कर सकते हैं और डेटा सेट और डेटा व्यू के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। सिग्नेचर ऑफ डेटा टेबल सी डेटा टेबल क्लास इन सी शार्प, तो आपके पास डेटा टेबल क्लास जो है उसके सिग्नेचर दिए हैं, ये जो आपके पास है यहाँ पर मार्शल बाय वैल्यू कंपोनेंट आई लिस्ट सोर्स I support initialize and notification, I support initialize, I serializable, I XML serializable क्लास जो है वो आपके पास इंटरफेसिस को क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है और मार्शल बाय वैल्यू कंपोनेंट क्लास को एक्सटेंड करती है। वी हैव फोर कंस्ट्रक्टर ऑफ एडियो डॉट नेट डेटा टेबल क्लास, तो हमारे पास एडियो डॉट नेट डेटा टेबल क्लास के चार कंस्ट्रक्टर मौजूद हैं, जैसे कि आप नीचे यहाँ पर पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। पब्लिक डेटा टेबल स्ट्रिंग टेबल नेम, पब्लिक डेटा टेबल स्ट्रिंग टेबल नेम एंड स्ट्रिंग टेबल नेम स्पेस, और लास्ट में हमारे पास है प्रोटेक्टेड डेटा टेबल सीरियलाइजेशन इन्फो स्ट्रीमिंग कॉन्टेक्स्ट। तो लेट्स डिस्कस दिस कंस्ट्रक्टर वन बाय वन। तो अगर आप डेटा टेबल का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं तो फिर आपके पास जो है सिर्फ डेटा टेबल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। अगर आप डेटा टेबल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके अंदर टेबल नेम डिफाइन करते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ पे आपके पास आपके टेबल को एक नाम प्रोवाइड कर देता है। इफ़ टेबल नेम इज़ नल और एन एम्प्टी स्ट्रिंग अ डिफॉल्ट नेम इज़ गिवन व्हेन एडेड टू द सिस्टम डेटा डॉट टेबल कलेक्शन। तो अगर आप यहाँ पर टेबल का नेम नल या एम्प्टी स्ट्रिंग देते हैं तो डिफॉल्ट नेम एक आपके पास ऐड हो जाता है आपके टेबल के अगेंस्ट में। डेटा टेबल सीरियलाइजेशन इन्फो स्ट्रीमिंग कॉन्टेक्स्ट, दिस कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज अ न्यू इंस्टेंस ऑफ द सिस्टम डेटा टेबल क्लास विद द सिस्टम रन टाइम सीरियलाइजेशन। और यहाँ पर हेयर द पैरामीटर इन्फो, अगर आप यहाँ पर देखें पैरामीटर इन्फो स्पेसिफाई द डेटा नीडेड टू सीरियलाइज, तो आपके पास यहाँ पे जो पैरामीटर इन्फो का है वो ये स्पेसिफाई करता है कि आपको डेटा को सीरियलाइज करना है या डीसीरियलाइज करना है। और कॉन्टेक्स्ट का जो आपके पास पैरामीटर है वो स्पेसिफाई करता है रिसोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ अ गिवन सीरियलाइजेशन स्ट्रीम। उसके बाद हमारे पास है डेटा टेबल जिसके अंदर हम स्ट्रिंग टेबल नेम और स्ट्रिंग टेबल नेम स्पेस पास करते हैं। सो हेयर पैरामीटर टेबल नेम स्पेसिफाई द नेम गिवन टू द टेबल, जो आप नाम देते हैं टेबल को वो नाम स्पेसिफाई करता है। और इसी तरीके से जैसे मैंने अभी पहले डिफाइन किया था कि अगर टेबल नेम नल और एम्प्टी देते हैं तो आपके पास डिफॉल्ट नेम प्रोवाइड हो जाता है। सेकेंड पैरामीटर जो कि आपके पास टेबल नेम स्पेस है वो स्पेसिफाई करता है द नेम स्पेस फॉर द एक्सएमएल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा स्टोर इन द डेटा टेबल। तो अगर आप एक्सएमएल रिप्रेजेंटेशन में स्टोर कर रहे हैं तो उसका नेम स्पेस आप जो है वो प्रोवाइड करते हैं डेटा टेबल के अंदर। सो नाउ वी कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एडियो डॉट नेट डेटा टेबल क्लास इन सी शार्प। तो हमारे पास जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके साथ हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, जिनमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉलम। अगर हमें
गेट द कलेक्शन ऑफ कॉलम्स, ठीक है, अगर हमें ये गेट करना है कि कौन कौन से कॉलम इस कलेक्शन के साथ यानी आपके टेबल के साथ जो है वो बाइंड है, तो हम कॉलम्स की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट, अगर हम कंस्ट्रेंट्स की इंफॉर्मेशन मालूम करना चाहते हैं कि कौन कौन से कंस्ट्रेंट हमारा ये टेबल प्रोवाइड करता है, तो फिर हम कंस्ट्रेंट्स के प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। डेटा सेट, इट इज़ यूज टू गेट द डेटा सेट टू विच द टेबल बिलोंग, अगर हमारा जो डेटा टेबल है वो किसी डेटा सेट के साथ बिलोंग करता है तो ये प्रॉपर्टी हमें वो इंडिकेट करती है। डिफॉल्ट व्यू, इट इज़ यूज टू गेट अ कस्टमाइज व्यू ऑफ द टेबल डेट में इंक्लूड अ फिल्टर व्यू, तो अगर हमारे पास कस्टमाइज व्यू चाहिए हमें अपने टेबल का, तो डिफॉल्ट व्यू प्रॉपर्टी के थ्रू हम वो गेट कर सकते हैं। हैज़ एरर्स, तो अगर हमें ये देखना है कि वेयर इंडिकेटिंग वेयर देयर आर एरर्स इन एनी ऑफ दी रोज, अगर कोई रोज के अंदर एरर हैं तो वो हम एरर्स एज एरर्स का जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसके थ्रू गेट कर सकते हैं। मिनिमम कैपेसिटी, इट इज़ यूज टू गेट और सेट द इनिशियल स्टार्टिंग साइज फॉर दिस टेबल, तो अगर आप अपने टेबल का साइज़ वगैरह मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम कैपेसिटी की प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। प्राइमरी की, अगर आप किसी कॉलम को क्या करना चाहते हैं कि वो प्राइमरी की के साथ प्राइमरी की तरह बिहेव करे इस डेटा टेबल के लिए, तो आप प्राइमरी की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं। देन वी हैव दी रोज, इट इज़ यूज टू गेट द कलेक्शन ऑफ रोज डेट बिलोंग टू दिस टेबल, तो अगर आपको कलेक्शन ऑफ रोज चाहिए तो उसके लिए आप रोज की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। टेबल नेम, इट इज़ यूज टू गेट और सेट द नेम ऑफ द डेटा टेबल, तो अगर आपको डेटा टेबल का नाम सेट या गेट करना है तो उसके लिए आप टेबल नेम प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं। वी हैव सम मेथड्स फॉर सी डेटा टेबल क्लास ऑल्सो, तो उसको भी देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मेथड अवेलेबल हैं। तो सी शार्प डेटा टेबल क्लास प्रोवाइड द फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट चेंजेस, इट इज़ यूज टू कमिट ऑल द चेंजेस मेड टू दिस टेबल, अगर आप अपने टेबल के अंदर आपने जो चेंजेस किए हैं अगर आप चाहते हैं कि वो अप्लाई हो जाए तो फिर आप एक्सेप्ट चेंजेस का मेथड इस्तेमाल करते हैं। देन वी हैव क्लियर, इट इज़ यूज टू क्लियर द डेटा टेबल ऑफ ऑल डेटा, तो आपके पास डेटा टेबल का डेटा अगर आपको क्लियर करना है तो उसके लिए आप क्लियर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। देन वी हैव क्लोन, अगर हमें अपने डेटा टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो क्या करना है क्लोन करना है तो उसके लिए हम क्लोन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। देन वी हैव द कॉपी, इट इज़ यूज टू कॉपी बोथ द स्ट्रक्चर एंड डेटा ऑफ द डेटा टेबल, अगर हमें जो है वो कॉपी करना है यानी स्ट्रक्चर भी कॉपी करना है और डेटा भी कॉपी करना है तो फिर हम कॉपी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। क्लोन सिर्फ हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो कॉपी करके देता है। क्रिएट डेटा रीडर, इट इज़ यूज टू रिटर्न अ डेटा टेबल रीडर करस्पॉन्डिंग टू द डेटा विद इन द डेटा टेबल, तो ये हमें डेटा टेबल रीडर रिटर्न करता है विच फॉर विच द डेटा टेबल इज बिलोंग टू। क्रिएट इंस्टेंस, इट इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस ऑफ द डेटा टेबल। गेट रो टाइप, अगर हमें मालूम करना है कि रो की टाइप क्या है तो उसके लिए हम गेट रो टाइप मेथड को इस्तेमाल करते हैं। गेट स्कीमा, अगर हमें टेबल का स्कीमा गेट करना है तो उसके लिए हम गेट स्कीमा मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इम्पोर्ट रो, इट इज़ यूज टू कॉपी आर डेटा रो इन टू आर डेटा कॉपी डेटा टेबल, अगर हमें डेटा टेबल के अंदर कोई रो कॉपी करनी है तो इम्पोर्ट रो का फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। लोड, इट इज़ यूज टू फिल आर डेटा टेबल विथ वैल्यूज फ्रॉम आर डेटा सोर्स यूजिंग द सप्लाइड आई डेटा रीडर, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा टेबल को फिल कर सकते हैं यूज प्रोवाइडिंग द डेटा सोर्स यूजिंग द सप्लाइड आई डेटा रीडर ऑब्जेक्ट। मर्ज, डेटा टेबल और उसके साथ हम वैल्यू पास करते हैं बूलियन, इट इज़ यूज टू मर्ज द स्पेसिफाइड डेटा टेबल विद द करंट डेटा टेबल, अगर हमें क्या करना है किसी डेटा टेबल्स को मर्ज करना है तो फिर हम मर्ज जो है यहाँ पर यूज़ करते हैं मेथड। न्यू रो, अगर हमें कोई न्यू रो क्रिएट करनी है डेटा रो विद द सेम स्कीमा एज द टेबल तो फिर हम न्यू रो मेथड को इस्तेमाल करते हैं। सिलेक्ट, इट इज़ यूज टू गेट एन एरे ऑफ ऑल डेटा रो ऑब्जेक्ट्स, तो अगर हमें ऑल डेटा रो ऑब्जेक्ट्स गेट करनी है एरे गेट करनी है उसकी तो फिर हम सिलेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। देन वी हैव राइट एक्सएमएल, इट इज़ यूज टू राइट द करंट कंटेंट्स ऑफ द डेटा टेबल एज एक्सएमएल यूजिंग द स्पेसिफाइड फाइल, तो अगर हमें जो हमारे पास करंट कंटेंट्स अवेलेबल हैं डेटा टेबल के उनको अगर हम एक्सएमएल की तरह पास करना चाहते हैं तो उसके लिए हम राइट एक्सएमएल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ हाउ वी कैन क्रिएट अ डेटा टेबल इन सी शार्प।
तो अगर हमें डेटा टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें डेटा टेबल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें डेटा कॉलम ऑब्जेक्ट जो है वो यूज़ करना होगा, और फिर उसके बाद हम डेटा रो ऑब्जेक्ट की मदद से कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे। सो हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, डेटा टेबल क्लास का इंस्टेंस बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर डेटा टेबल लिखेंगे, और उसके बाद हम डेटा टेबल न्यू डेटा टेबल स्टूडेंट। अब यहाँ पर अगर आप इस कोड के अंदर देखें तो हमने क्या किया है, हमने डेटा टेबल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसको एक नाम दिया है, कंस्ट्रक्टर जैसे मैंने आपको डिफाइन किया था, तो मैंने यहाँ पर ये वैल्यू पास किए, तो ये हमारे टेबल का नाम हो गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, डेटा कॉलम डिफाइन करने यानी एडिंग करनी है। क्या एडिंग करनी है, डेटा कॉलम ही, और उसके अंदर डिफाइन करना है स्कीमा को। और डेटा टेबल इज़ एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ डेटा कॉलम, यानी आपके पास जो डेटा टेबल होता है उसके अंदर क्या होते हैं, डेटा कॉलम्स होते हैं। और डेटा टेबल ऑब्जेक्ट इज़ यूजलेस अनटिल इट हैज़ स्कीमा, जब तक आपके डेटा टेबल के अंदर कोई स्कीमा नहीं है तो आपका जो डेटा टेबल है वो किसी काम का नहीं होता। तो आप स्कीमा किस तरह से ऐड कर सकते हैं, यू कैन डू दिस बाय एडिंग सम डेटा कॉलम्स इन टू योर डेटा टेबल। तो अगर आपको कोई डेटा कॉलम बनानी है तो उसके लिए आप इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आप डेटा कॉलम क्रिएट करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और डेटा कॉलम का एक नाम दे दिया। उसके बाद आपने उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू उसकी प्रॉपर्टी है डेटा टाइप, तो आपने यहाँ पर उसकी डेटा टाइप डिफाइन करी, जो आप यहाँ पर आईडी या कोई भी फील्ड ऐड करना चाह रहे हैं, कोई भी कॉलम अपने डेटा टेबल के अंदर। उसके बाद आपने बताना है कि आप इसके कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो डिफाइन कर रहे हैं कि आईडी डॉट यूनिक, यानी जो आपकी आईडी है वो क्या होगी, यूनिक। तो आपने उसको ट्रू कर दिया। आईडी इज़ अलाउ डीबी नल, यानी आपके पास जो है अलाउ करें डीबी यानी डेटाबेस नल वैल्यू अलाउ करें आईडी के अगेंस्ट में, तो आपने इसको क्या कर दिया, फॉल्स। id.caption जो मेथड आपके पास प्रॉपर्टी है ये प्रेजेंट करता है डेटा कॉलम की फील्ड का नेम, तो हमने यहाँ पे कह दिया स्टूडेंट आईडी। और लास्ट में हमने अपने डेटा टेबल के ऑब्जेक्ट को कॉल किया, उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर कॉलम्स को कॉल किया, उसके अंदर हमारे पास ऐड का मेथड है, तो हमने वो कॉलम जो है वो ऐड करा दी हमारे डेटा टेबल के अगेंस्ट में। इसके अलावा फिर हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से जैसे एक प्रॉपर्टी ऐड करवाई है, आप इसी तरीके से मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऐड करवा सकते हैं। जैसे कि नीचे आप देखें तो इस एग्जांपल के अंदर मैंने डेटा कॉलम एक और क्रिएट की है, उसका नाम दिया है नेम, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया नेम, और यहाँ पर मैंने उसको नाम दे दिया है नेम। मैंने कहा इसकी मैक्स लेंथ क्या होगी, 50, और इसमें मैंने कहा अलाउ डी बी नल, तो मैंने कहा फॉल्स, और यहाँ पर मैंने उसकी डेटा टेबल, फिर लास्ट में मैंने उसको डेटा टेबल के अंदर ऐड करवा दिया। इसके अलावा अगर हमें कोई और भी कॉलम बनाना है विथ शोस क्रिएटिंग अ डेटा कॉलम विथ डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़, अगर हमें डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट में बनाना है, यानी ऑटोमेटिकली जो प्रॉपर्टीज़ लग जाएँ इसके साथ, तो फिर हम वो प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपर्टीज़ पास नहीं करते, और यहाँ पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट कॉलम क्रिएट हो जाएगी, यानी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट्स के साथ यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद अगर हमें किसी कॉलम को प्राइमरी की बनाना है तो उसके लिए हमारे पास हम डेटा टेबल का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी है प्राइमरी की, और यहाँ पर हम बता देते हैं न्यू डेटा कॉलम, और यहाँ पर हम अपने डेटा कॉलम का रेफरेंस पास कर देंगे कि किस पर्टिकुलर कॉलम को हम यहाँ पर प्राइमरी की बना रहे हैं। सो लेट्स कम टू दी हाउ वी कैन क्रिएट दी डेटा रो ऑब्जेक्ट्स। तो अब हमने डेटा स्कीमा बना लिया है, जब स्कीमा बना लिया तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, डेटा रो, यानी अब हमें वहाँ पर डेटा रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हमें डेटा रो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होंगे। तो हमने जैसे स्कीमा बना लिया तो अब उसके बाद हमें डेटा ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा रो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर डेटा टेबल के अंदर एक नई रो ऐड करेंगे, और उसके बाद हमने यहाँ पर बोला कि न्यू रो हमने क्रिएट करी है, उसके बाद किसके अगेंस्ट में क्रिएट की है, अपने डेटा टेबल के अगेंस्ट में यहाँ पे क्रिएट की है। फिर हमने रो वन करके स्पेसिफिकली जो है ना यहाँ पर हमने उसके अगेंस्ट में आईडी और वैल्यूज़ वगैरह पास करी, और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया है, डेटा टेबल डॉट रोज डॉट ऐड करवा दी हैं। तो अब हम चलते हैं और जो है वो देखते हैं कि जब हमने ये वैल्यूज़ वगैरह यहाँ पर ऐड करवा दी, तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हाउ वी कैन डू दिस इन द विजुअल स्टूडियो। तो हम विजुअल स्टूडियो की तरफ चलते हैं और अपने प्रोजेक्ट की तरफ, और हम अपने
प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इसको क्रिएट करके देखते हैं। जो जितने स्टेप्स अभी हमने समझे उनको वन बाय वन हम यहाँ पर अभी करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने यूजिंग लिखा सिस्टम डॉट डेटा, तो मैंने डेटा ऑब्जेक्ट यानी जो हमारा नेम स्पेस है उसको इंक्लूड करवाया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ट्राई और कैच ब्लॉक बना लिया, तो मैंने यहाँ पे कैच और एक्सेप्शन ई, तो मैंने ट्राई कैच ब्लॉक भी यहाँ पे क्रिएट कर लिया। उसके बाद अब सबसे पहले मैं डेटा टेबल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, तो डेटा टेबल और इसको मैंने नाम दे दिया लेट सपोज डेटा टेबल इक्वल्स टू न्यू डेटा टेबल। ओके, सो मैंने अपने नेम स्पेस का नाम भी यानी प्रोजेक्ट का नाम भी सेम दे दिया है, सो इस वजह से इशू आ रहा है। मैं प्रोजेक्ट का नाम डेटा टेबल वन कर देता हूँ। सो नाउ हमारे पास इसको हम वन कर देते हैं। सो नाउ यू कैन सी के मेरे पास यहाँ से एरर रिमूव हो गया है। तो हमने यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, अब हमें डेटा कॉलम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, उसको मैंने नाम दे दिया आईडी, तो मुझे पहले आईडी ऐड करवानी है, तो डेटा कॉलम और इसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया आईडी। अब मुझे इसके कंस्ट्रेंट ऐड करवाने, तो मैंने कहा आईडी डॉट, तो ये देखें सारी चीज़ें आ रही। कैप्शन के अंदर मुझे बताना है कि ये क्या है, तो मैंने कह दिया स्टूडेंट आईडी। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा आईडी डॉट, यहाँ पर मुझे अगर इसकी डेटा टाइप बतानी है तो मैं यहाँ पर डेटा टाइप, उसके बाद मैं टाइप ऑफ यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा टाइप ऑफ, और उसके बाद मैंने कहा भाई इसकी टाइप क्या है, तो मैंने कहा इसकी टाइप है इंटीजर, और यहाँ पर मैं इसको स्मॉल में दूंगा टाइप ऑफ। उसके बाद यहाँ पर आते हैं और मैंने कहा भाई मुझे अलाउ डीबी नल प्रॉपर्टी है, इसको मुझे करना है फॉल्स, और उसके बाद मुझे इसको डेटा टेबल में ऐड करवाना है, तो मैं लिखूँगा डेटा टेबल डॉट कॉलम्स, तो मैंने कहा ये कॉलम है हमारी, और डॉट ऐड, और यहाँ पर मैंने आईडी कॉलम ऐड करवा दिया। इसी तरीके से अगर मुझे एक और कॉलम बनाना है तो मैं लिखूँगा डेटा कॉलम। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा नेम इक्वल्स टू न्यू डेटा कॉलम, और यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया नेम। अब नाम देने के बाद मैं यहाँ से भी नाम दे सकता हूँ, ये कैप्शन जो है वो मेरे पास बाद में अगर मुझे नाम चेंज करना है तो उसके लिए यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पर आके मैंने कहा कि भाई मुझे ये जो नेम मैंने बनाया है यहाँ पर इसका नेम का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो मुझे इसकी लेंथ रखनी है, तो यहाँ पे मैक्स लेंथ डिफाइन कर देंगे। मैंने कह दिया 50, उसके बाद मैंने कहा नेम डॉट अलाउ डी बी नल, और उसके बाद मैंने यहाँ पर आके इसको कर दिया फॉल्स। उसके बाद ये डेटा ये भी जो हमने कॉलम क्रिएट करी है ये हमने डेटा टेबल के अंदर ऐड करवा दी अपने, तो ये हमारे डेटा टेबल में हमने ये कॉलम भी ऐड करवा दी। उसके बाद हमने कहा था कि हम एक डेटा कॉलम बनाएंगे विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो मैं यहाँ पर आके डेटा कॉलम क्लास का ऑब्जेक्ट फिर से क्रिएट करता हूँ, उसको मैंने नाम दिया ईमेल। इसके बाद मैंने कहा न्यू डेटा कॉलम, और यहाँ पर आके मैंने दे दिया ईमेल। उसके बाद ये मैंने कॉलम क्रिएट करी, और उसके बाद मैंने डेटा टेबल के अंदर ये कॉलम ऐड करवा दी, डेटा टेबल डॉट कॉलम्स डॉट ऐड का मेथड कॉल किया, और उसमें मैंने डेटा जो हमने कॉलम क्रिएट किए उसका ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो ये हमारे पास हमने क्या किया है, अभी हमने तीन कॉलम्स बनाई हैं और अपने डेटा टेबल के अंदर पास कर दिए हैं। फिर हमने देखा था कि अगर हम किसी भी कॉलम को अगर हम क्या बनाना चाहें प्राइमरी की, तो प्राइमरी की बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने ये डेटा टेबल यूज़ करना है, जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसके अंदर प्रॉपर्टी है प्राइमरी की, और उसके बाद यहाँ पर आके मुझे डेटा कॉलम का ऑब्जेक्ट पास करना है, तो डेटा कॉलम उसके बाद यहाँ पर, और मैंने बताना है कि किसको मुझे यहाँ पे प्राइमरी की बनाना है। तो यहाँ पर देखें मैंने आईडी वाला जो हमारे पास यहाँ पे कॉलम है उसको मैंने क्या बना दिया, यहाँ पर प्राइमरी की बना दिया है। उसके बाद अब हम आते हैं कि हम किस तरह से डेटा जो है वो पास कर सकते हैं अगेंस्ट आवर डेटा टेबल। तो अब यहाँ पर आएंगे तो हम डेटा रो का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, डेटा रो यहाँ पर डेटा रो, ठीक है, और डेटा रो के बाद हमने कहा रो वन इक्वल्स टू न्यू डेटा रो, और उसके बाद ठीक है डेटा, बल्कि हमने यहाँ पर हम किसका ऑब्जेक्ट पास करेंगे डेटा टेबल का, तो डेटा टेबल डॉट न्यू रो, तो ये डेटा टेबल डॉट न्यू रो पास कर दी हमने यहाँ पे, और फिर हमने कहा रो वन, और यहाँ पर हमने फील्ड्स के नाम दिए अपने जो हमने बनाए थे आईडी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आईडी दिया आईडी। उसके बाद मैंने कहा जो भी आईडी मैंने रखनी है वो मैं यहाँ पर आईडी पास कर दूंगा। उसके बाद मैंने कहा रो वन
उसके अंदर मैंने कहा भाई मेरे पास नेम है, तो मैंने यहाँ पे नेम पास किया और यहाँ पे नेम की वैल्यू पास कर दी सर। और इसी तरीके से मैंने कहा रो वन, और उसके बाद मैंने कहा भाई मुझे ईमेल पास करनी है, तो यहाँ पर मैंने ईमेल पास कर दी, तो ईमेल का डेटा मैंने यहाँ पर पास कर दिया लाइक दिस। तो ये मैंने जो है ना यहाँ पर रो के अगेंस्ट में डेटा दे दिया। अब ये रो मुझे डेटा टेबल में ऐड करवानी है, तो मैं बोलूँगा डेटा टेबल डॉट रोज, ठीक है, डॉट ऐड। तो ये अब मैंने क्या कर दी, ये जो डेटा रो बनाई थी वो मैंने किस में पास कर दी, अपने डेटा टेबल को पास कर दी। तो ये हमारे पास तरीका है हम किस तरह से जो है ना डेटा टेबल में वैल्यू पास कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम एक और काम ये कर सकते हैं कि अगर हमें वैल्यू पास करनी है डेटा रो की, तो हम डायरेक्टली भी पास कर सकते हैं लाइक दिस। मैंने डेटा रो का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया रो टू, और मैंने कहा उसके बाद मैंने बोला यहाँ पर, तो अगर मुझे डेटा टेबल के अगेंस्ट में एक और रो पास करनी है तो मैं डायरेक्टली भी पास कर सकता हूँ लाइक दिस। मैंने कहा डेटा टेबल डॉट रोज डॉट ऐड, और यहाँ पर जाके मैंने डायरेक्ट वैल्यू पास कर दी। तो मैंने कहा 102, यहाँ पे मैंने कह दिया अहमद, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पास कर दी। तो हम इस तरह से भी पास कर सकते हैं। उसके बाद अब हमने ये जो डेटा कॉलम बनाया है, डेटा टेबल बनाया है, तो अगर अब इस डेटा टेबल डेटा कॉलम से हमें डेटा फेच करना है, तो वो हम किस तरह से करेंगे, उसके लिए हमें फोर ईच लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ से फोर ईच लूप मैंने बनाया, और उसके बाद मैंने कहा अब यहाँ पर मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि डेटा रो से डेटा लेना है, तो मैं डेटा रो का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। मैंने कहा रो इन कहाँ से, डेटा टेबल डॉट रोज। तो यहाँ से मुझे वन बाय वन डेटा फेच करना है, और मैं यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू ये डेटा प्रिंट करवा दूँ। तो यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर हम अपना डेटा प्रिंट करवा देते हैं। तो मैंने कहा रो, उसके बाद मैंने यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट करवाना है, तो मैंने कहा रो डबल कोट्स के अंदर मैंने पास किया आईडी, उसके बाद मैंने कहा प्लस डबल कोट्स के अंदर मैंने कॉमा पास कर दिया, स्पेस दे दिया, उसके बाद प्लस, उसके बाद मैंने कहा रो, और यहाँ पर मुझे नेम प्रिंट करवाना है, तो नेम, उसके बाद प्लस, यहाँ पर मैंने दे दिया कॉमा, उसके बाद स्पेस प्लस, उसके बाद मैंने रो, और यहाँ पर मैंने कॉल कर लिया ईमेल को। तो अब हमने इसको सेव करना है और इसको अब हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट रीड की नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंसोल डॉट रीड की, कंसोल डॉट रीड की लिख लिया। अब इसको रन करते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि हमने जो दो रोज ऐड करवाई थी डेटा टेबल के अगेंस्ट में, तो उनके अगेंस्ट में हमें यहाँ पर डेटा मिल रहा है। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, डेटा टेबल बना सकते हैं, डेटा टेबल में कॉलम्स ऐड करवा सकते हैं, और उसके अगेंस्ट में फिर हम डेटा रोज ऐड करवा सकते हैं, और फिर उन डेटा रोज से हम डेटा फेच कर सकते हैं। उसके बाद हमें डेटा कॉलम्स के अगेंस्ट में कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अलाउ डी बी नल है, ऑटो इंक्रीमेंट, अगर हम ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे तो वो जो हमारी कॉलम है वो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी, ऑटो इंक्रीमेंट सीड, अगर हमें क्या करना है सीड बताना है कि कहाँ से स्टार्ट हो तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर हम ऑटो इंक्रीमेंट के लिए स्टेप डिफाइन करना चाहें कि कितना हमारे पास इंक्रीमेंट हो, तो वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। कैप्शन प्रॉपर्टी के थ्रू हम कॉलम का नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं, कॉलम नेम के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं गेट और सेट कर सकते हैं कॉलम का नेम। एक्सप्रेशन, ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है अगर हमें जो है ना सेट डी एक्सप्रेशन यूज टू फिल्टर रोज, कैलकुलेट दी वैल्यूज इन अ कॉलम और क्रिएट एन एग्रीगेट कॉलम। अगर कोई एग्रीगेट कॉलम वगैरह बनानी है तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं। देन वी हैव मैक्स लेंथ, तो मैक्स लेंथ के थ्रू हम किसी टेक्स्ट कॉलम के लिए लेंथ डिफाइन करते हैं, और यूनिक के थ्रू हम ये बताते हैं कि ये जो हमारे पास कॉलम है इट विल यूज़ दी यूनिक कॉलम्स। तो यूनिक अगर हमने यहाँ पे दे दिया तो हमारे पास वो कॉलम क्या बन जाएगी, यूनिक बन जाएगी। तो अभी हम अपनी एग्जांपल के अंदर एक काम करते हैं कि हम देखते हैं कि हाउ वी कैन ऐड द ऑटो इंक्रीमेंट, जो है वो हम ऑटो इंक्रीमेंट किस तरह से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आके इसी जो हमारे पास एग्जाम्पल है इसके अंदर हमने जो यहाँ पर बनाया हुआ है,
तो मैंने कहा भाई डेटा कॉलम यहाँ पे मैंने जो है ना एक आईडी का कॉलम बनाया हुआ है, तो ये जो आईडी का कॉलम है ठीक है, तो इसके अंदर मैं इस तरह से भी पास कर सकता हूँ और डायरेक्टली भी वैल्यू पास कर सकता हूँ। जैसे मैंने वन बाय वन ऐसे आईडी करके पास किया है, तो मैं इसकी जगह यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यही कॉलम आपको अगेन क्रिएट करके दिखाता हूँ विद दी ऑटो इंक्रीमेंट। तो मैं यहाँ से इस कॉलम को रिमूव, यहाँ पे मैं कमेंट कर रहा हूँ और इसके नीचे मैं फिर से एक डेटा कॉलम बना रहा हूँ। तो मैंने डेटा कॉलम यहाँ पर दिया और इसको मैंने नाम दिया आईडी, और मैंने कहा न्यू, उसके बाद मैंने कहा डेटा कॉलम। अब यहाँ पर ही मैं डायरेक्ट इसकी सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अगर इसका कॉलम नेम देना है, तो मैंने कहा भाई कॉलम नेम क्या रखना है, तो यहाँ पर आके मैं इसका कॉलम नेम डिफाइन कर सकता हूँ। लेट सपोज मैंने कह दिया स्टूडेंट आईडी। उसके बाद मैंने कहा भाई मुझे इसकी डेटा टाइप डिफाइन करनी है, तो यहाँ पर आके मैं इसकी डेटा टाइप डिफाइन कर सकता हूँ, सिस्टम डॉट डेटा, सिस्टम डॉट टाइप डॉट गेट टाइप, और यहाँ पर आके मैंने कहा सिस्टम डॉट इंटीजर 32। इसके अलावा मैंने कहा भाई ऑटो इंक्रीमेंट रखना है इसको, तो मैंने यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में ट्रू पास कर दिया। उसके बाद मैंने कहा भाई ऑटो इंक्रीमेंट सीट, तो अगर मुझे सीट कितना करना है यानी कहाँ से स्टार्ट करना है, 1000 से, तो मैंने सीट पास कर दिया। इसके बाद मैंने कहा स्टेप यानी 10 10 का स्टेप रखना है, तो मैंने ऑटो इंक्रीमेंट स्टेप की वैल्यू पास कर दी लाइक 10। उसके बाद ये मेरा कॉलम बन गया। उसके बाद मुझे इस कॉलम को ऐड करवाना है, तो जैसे कि मैंने ये लाइन लिखी थी ऐड करवाने के लिए, तो हम इसी लाइन को यहाँ पे कॉपी करके ऐड करवा देंगे। तो ये अब हमने डेटा कॉलम बनाई है, फिर हमने किसके थ्रू बनाई है, यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट के साथ। तो ऑटो इंक्रीमेंट के साथ हमने यहाँ पे डेटा कॉलम क्रिएट कर ली। बाकी हमारे पास हमने जो है वो सेम कोड रखा है। अब हम क्या करने वाले हैं कि जब हम न्यू रो का डेटा पास करने आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं जो हूँ यहाँ पर रो जो आईडी का डेटा है वो भी पास नहीं कर रहा दोनों रोज के लिए। अब जो आईडी का डेटा है वो हमारे पास क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट रखा है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा। तो बाकी कोड के अंदर मैंने कहीं भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ मैंने एक कॉलम बनाई है जिसको हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखा है, और इसके बाद हमने आईडी की जो वैल्यूज है वो रो के लिए पास नहीं की है। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। ओके, सो जब हम यहाँ पर डेटा पास करेंगे सेकेंड रो के लिए, तो हमें फर्स्ट के अगेंस्ट में नल पास करना है, वरना हमारे पास एक्सेप्शन जनरेट होगी। सो अब हम इसको रन करते हैं, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कॉलम आईडी डज नॉट बिलोंग टू दी टेबल स्टूडेंट। तो ये बोल रहा है कि आपके पास जो आईडी है वो टेबल स्टूडेंट से बिलोंग नहीं करती, क्योंकि मैंने टेबल कॉलम का नाम क्या लिखा था, स्टूडेंट आईडी। सो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अब आप देखें यहाँ पर मेरे पास जो है वो कॉलम कहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी आईडी की वैल्यू स्टार्ट हुई है 1000 से, और फिर सेकंड वाले को आईडी जो असाइन हुई है वो क्या हुई है, 10 इंक्रीमेंट के बाद असाइन हुई है। यानी हमारे पास जब भी हम नया डेटा ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, 10 10 का इंक्रीमेंट होगा। ऐसा करता हूँ मैं एक और यहाँ पे डेटा ऐड करवाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो मैंने एक और कॉलम ऐड करवा दी और इसमें मैंने दे दिया अमजद, और आप देखिए मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखिएगा जो हमारे पास थर्ड रिकॉर्ड जा रहा है डेटा टेबल के अंदर वो क्या हो रहा है, उसके अंदर जो आईडी है उसके अंदर 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हर दफ़ा जब भी हम नई जो है रो ऐड करवाएंगे, तो उसके अंदर जो आपके पास क्या होगी, आईडी होगी, उसके अंदर 10 10 का इंक्रीमेंट आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट के अंदर जो स्टेप दिया है वो क्या है, 10 है, और सीड हमने दिया है 1000 का। सो आज की इस क्लास के अंदर हमने सीखा कि हमारे पास ADO.NET डेटा टेबल क्या होता है, उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर डेटा कॉलम्स कैसे ऐड करवाते हैं, उनकी टाइप कैसे सेट करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स वगैरह कैसे ऐड करवाते हैं। सो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।